हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का मॉक टेस्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया है, जिसमें हिंदी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं इस वीडियो में। तो आपके कोई भी एग्ज़ाम में अगर जिसमें आपका सिलेबस में हिंदी हो, चाहे हम लोग बात कर दें UPP की, चाहे बात कर लें हम लोग PCS की, या फिर हम लोग बात कर लें मंडी परिषद की, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इन सभी विषयों के लिए, ठीक है, जिसकी फ्री वीडियो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है। इसका प्रकाशन आरंभ हुआ है 1954 में इलाहाबाद से, जिसका नाम अब बदल करके क्या रख दिया गया है, इलाहाबाद का नाम बदल करके रख दिया गया है प्रयागराज। याद रखिएगा, इसका प्रकाशन किया किसने था, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इलाहाबाद से इस कविता पत्रिका का प्रकाशन किया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयोग वाह कहा जाता है। अगर आपने हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर के वर्णमाला चैप्टर देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। आयोग वाह की अगर हम लोग बात करें तो आयोग वाह कहा जाता है विसर्ग को, और विसर्ग में हमारे क्या आते हैं, अंग और आहार। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, आयोग वाह वर्ण कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा आपको पता है कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो 135 क से लेकर के माँ तक में जो हमारा 1, 3, 5, इसके अलावा यारा लावा, ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अल्पप्राण। और महाप्राण में हमारा क्या होगा, 2, 4। इसके अलावा हमारे ऊष्म व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे, महाप्राण में आते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 6, 3, 11 और 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं, तो 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह किसकी पंक्ति है, तो यह पंक्ति है मुक्ति बोध जी की। किसकी है, मुक्ति बोध की पंक्ति है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। आपको इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आपको करीब 200 ऐसी रचनाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी व्याकरण की, वहाँ पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। तदीय समाज की स्थापना किया है भारतेंदु हरिश्चंद। भारतेंदु हरिश्चंद आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो 1850 से लेकर के अब तक के काल को क्या कहते हैं, आधुनिक काल। और 1850 से लेकर 1900 तक के युग को क्या कहते हैं, भारतेंदु युग। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतेंदु युग का टाइम क्या था, तो 1850 लेकर के 1900 का जो काल था उसे क्या कहते हैं हम लोग, भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद की कुछ रचनाएं भी जान लेते हैं, जैसे प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु वर्णन, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद की रचनाएं हैं। और इन्हें हिंदी नवजागरण काल का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद को हिंदी नवजागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है। अब चलिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। अगर हम लोग दयानंद सरस्वती, तो आपको पता है कि आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, और इसी के 10 साल बाद INC बना था। INC बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आपको पता है कि सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। केशव चंद सेन, इन्होंने दयानंद सरस्वती को सपोर्ट किया था, उनको प्रोत्साहित किया था कि आप सत्यार्थ प्रकाश की रचना कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती की है, ठीक है। तो इसमें इनका सपोर्ट किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने दयानंद सरस्वती का सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा संधि से, ठीक है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तथा धन एव, क्या होगा, तथा धन एव। और अब बात आती है कि इसमें संधि कौन सी होगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसका ट्रिक मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज कर देती हूँ। देखिए,
दीर्घ संधि, पहला क्या होता है हमारा दीर्घ संधि, इसको याद करने का सीधा सा तरीका, दीर्घ वर्ण चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ा उ हो या री हो, ठीक है, आपको किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ या री मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे या की बात करें तो दैत्यारी मिला ना, आ विद्यार्थी, इसमें भी आ मिला, विद्यालय। अब महेंद्र, महेंद्र नहीं महेंद्र, याद रखिएगा, दीर्घ वर्ण हमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा भानुदय, ठीक है, भानुदय, लघुर्मि, मातृड़, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। अगला हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि का मतलब गुण में परिवर्तन। इसमें क्या होता है ना, आ का ए हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा अर, तो गुण में याद कर लीजिए, ए ओ अर, गुण में क्या होगा हमारा, ए ओ अर। देखते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल, आपको बीच में ए ओ अर मिलेगा, उपेंद्र, ठीक, मिला ये, महेंद्र, ठीक, चंद्रोदय, महोर्मी, देवेंद्र, ब्रह्मार्षि, देवर्षि, महर्षि, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे हमारी गुण संधि। फिर अगला आता है हमारा यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको यणच, इसमें याद रखिए, य र वा, इसके साथ अगर आपको कोई भी अधूरा वर्ण मिल गया तो वहां पे क्या होगा हमारा, यण संधि। फॉर एग्जाम्पल अत्याचार, य के साथ मिला ना आधा था, उसके बाद यद्यपि, ठीक, यद्यपि, फिर हमारा स्वागत, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे हमारे यण संधि। फिर आता है हमारा वृद्धि संधि, क्या आएगा हमारा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में याद रखिए, दो बड़ी मात्राएं होती हैं हमारे, जो 11 स्वर होते हैं उसमें दो बड़ी मात्राएं, एक तो होता है औ और दूसरा होता है अय, ठीक है, अय और औ दो बड़ी मात्राएं होती है, तो जब भी आपको अय और बीच में मिले वहां पे सीधे क्या होगा हमारा, वृद्धि संधि। जैसे दिनैक्य, ठीक है, क्या होगा, दिनैक्य, मतैक्य, ठीक है, परमोदार्य, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, सदैव, ये सब हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। और लास्ट हमारा बचता है अयादि संधि, पांचवा प्रकार। अयादि संधि याद कर लीजिए, जितने भी सिंपल वर्ड मिले, नयन, नायक, पवन, पावक, ये सब क्या हो जाएगा, ए टू जेड हमारा हो जाएगा अयादि संधि, ठीक। चलिए अब अगला हम लोग बात करते हैं, चरण कमल बंधौ हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमारा क्या क्या आ जाता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक। और यहाँ पे हमें चरण कमल बंधौ हरिराई में क्या है हमारा, यहाँ पे अर्थालंकार है, जिसमें हमारा सही आंसर क्या है, रूपक अलंकार। अब कैसे है रूपक अलंकार, देखिए रूपक अलंकार इस तरह है कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है जो भगवान का चरण है वो क्या है, कमल है, ये नहीं कहा कमल जैसा है, अगर कमल जैसा बोलता तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता, उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन कोई भेद, जैसे एक होते हैं कि आप शेर की तरह बहादुर हैं और दूसरा बोल दो कि आप शेर हैं, तो आप शेर हैं मतलब कोई भेद नहीं किया गया, लेकिन अगर आप शेर की तरह बहादुर हैं तो शेर से आपकी उपमा दी गई, जैसे चांद की, जैसे सुंदर है सीता जी का मुख, तो उसमें चांद से उनकी उपमा दी गई है, ठीक। तो रूपक अलंकार में हमारा क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भी भेद ना हो वहां पे होता है हमारा रूपक अलंकार। उसी तरह उपमा अलंकार की बात करें तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, ठीक है, चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें क्या होता है, इसमें सा वाचक धर्म में आपको सा, समान, सरीस, ये सब चीज़ें मिलती हैं। फिर आता है हमारा उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में क्या होता है कि उपमा दी जाती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ संभावना बताई जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। इसको पहचानने का तरीका क्या है उत्प्रेक्षा का, आपको इसमें जनु जानव, मनु मानव, जानहु मानहु ज्यों, ये वर्ड जरूर मिलेंगे। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु लींद मणि सैल पर आतप परियो प्रभात, तो इसमें आया ना मनु, यही है हमारा उत्प्रेक्षालंकार को पहचानने का तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु शकल कलिमल, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक। अभी अगर कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको छंद कोई
पढ़ने का ट्रिक बताया था कि किसी भी छंद को पहचाने क्या। पहली बात तो याद रखिए कि छंद चार लाइन में लिखा जाता है, लेकिन इसको कभी कभी दो पद में लिख देते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको देखें तो ये चार लाइन में है। मूक होई वचाल, पहला पंगु चढ़े गिरिवर गहन, दूसरा तीसरा हमारा जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल। तो देखते हैं कैसे पता करेंगे। अब देखिए इसमें मात्रा दीजिए, पहली लाइन में क्या है हमारा ये है, दूसरी लाइन में ये है, तीसरी लाइन में या में बड़ा की मात्रा, तो हमारा ये हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो अब हमको देखना है कि हमारे ट्रिक में किससे यह वो करता है। अगर हम लोग बात करें दोहा की, तो दोहा का क्या है कि संपद में, संपद क्या होता है, दूसरा और चौथा चरण, एक दीर्घ और एक लघु नहीं है तो दोहा नहीं होगा। दूसरा आते हैं हम लोग सोरठा में, सोरठा का क्या है कि विषम पद में एक दीर्घ और एक लघु हो, तो देखिए एक दीर्घ और एक लघु मात्रा मिला हमें पहले और तीसरे में, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सोरठा हो जाएगा। ठीक, सोरठा में क्या है, विषम पद में एक लघु एक दीर्घ एक लघु हो, दोहा में क्या है कि सम पद में एक दीर्घ एक लघु हो, चौपाई में क्या है, चौपाई में दो लघु हो या दो दीर्घ हो, दोनों हो सकते हैं, या तो अंत में दो लघु हो दो दीर्घ हो। ठीक, उसी तरह रोला में क्या होता है, रोला में हमारा सम पद में दो लघु और दो दीर्घ होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आज ही जाइए उसको पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है आपके लिए लर्न करना। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। मधुलिका पुरस्कार की पात्र है, कौन सी कहानी की, पुरस्कार। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश, कौन है, मोहन राकेश। फिर हमारा कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, रचयिता। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, कारक मैंने आपको बढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, को। ठीक, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो बाजार क्या है, लोगों का एक समूह है, व्यापारियों के समूह है ना, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण का क्या मतलब, जैसे किसी के गुण के, जैसे किसी का गुण गुण है हमारा गोल होना, फिर चौकोर होना, अधिक कम भीतरी नुकीला, तो यहाँ पे जो अधिक है या नहीं है, ठीक है, गोल क्या है, रोटी गोल है, नुकीला सुई नुकीली है, ठीक है, भीतरी बाहरी किसी भी चीज़ की भीतरी परत बाहरी परत, ठीक, जबकि अधिक गुणवाचक विशेषण नहीं है। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। यथाशक्ति में कौन सा समास है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या, शुरुआत में कोई ना कोई अव्यय लगा होगा, या फिर धीरे धीरे जो वर्ड दो बार आते हैं, धीरे धीरे कभी कभी, ये सब भी क्या होते हैं हमारे, अव्ययी भाव समास होते हैं। अगला हमारा, अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु मतलब जिसे जीता ना जा सके, वो क्या होगा हमारा, बहुव्रीहि समास होगा। अजात शत्रु में हमारा कौन सा समास होगा, यहाँ पे होगा हमें बहुव्रीहि, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक, और बहुव्रीहि समास में क्या है, जितने भी हमारे पर्यायवाची होते हैं सब, जैसे लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, ठीक, चक्रपाणि हो गया, ये सब क्या है, सब के सब बहुव्रीहि समास हैं। अगला है हमारा कि कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, तो भाद्रपद के बाद आता है अश्विन। ठीक, फिर है हमारा कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। लघुर्मि, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लघुर्मि में कौन सा समास होगा, जल्दी से बताइए, लघुर्मि में हमारा होगा दीर्घ। इसको पहचानने का ट्रिक क्या था, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री अगर हमें बीच में मिल गया तो कौन सा समास होगा, हमारा दीर्घ समास होगा। कपूर क्या है, कपूर ऑब्वियस सी बात है तद्भव होगा, तत्सम क्या होता है, थोड़ा संस्कृत की तरह होता है, तो अगर यहाँ पे हमसे बोलता कि कर्पूर तो यहाँ पे क्या होता, यह तत्सम होता, ठीक है, लेकिन कपूर क्या होगा हमारा, तद्भव होगा। अगला हमारा, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह दो बात। फिर हमारा,
प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, चार चरणों का सम्मात्रिक छंद है, उसे कहते हैं हम लोग चौपाई। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चार चरण होते हैं, और इसको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, दो लघु या दो दीर्घ मात्राएं आपको एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा चौपाई होगा अंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग रे, इसमें कौन सा रस है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस। रस के चैप्टर भी आपको पढ़ा के कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। फिर हमारा, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आ का। ठीक है, अज शब्द को क्या होगा, स्त्रीवाचक अगर बनाना है तो हमें किसका प्रयोग करना होगा, आ का। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है 1943 में। ठीक, एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उल्का की रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उल्का सी रानी, इसमें कौन सा अलंकार होगा हमारा, उपमा अलंकार। मैंने आपको बताया था सा सी ये सब समान कहीं भी आ जाए तो क्या होगा हमारा, उपमा अलंकार होगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है उसमें वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।